जम्मू में ऐसे कहीं इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत देखने को मिलती है, पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। बात करें अगर जम्मू शहर की परेड बाजार की, तो जितने भी लोग जो परेड में रहते थे या तो फिर जो परेड के आसपास के इलाकों में रह रहे थे, उन्हें पानी की सप्लाई का काफी दिक्कत देखने को मिल रही थी। उन्हें जो है साफ पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है इन्हें गंदे पानी की सप्लाई से जल्द ही जो है छुटकारा देखने को मिलेगा। जम्मू हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने इस इलाके में जल्द ही नई पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया है। दरअसल परेड इलाके में काफी अरसे पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी जो अब टूट गई थी और लोगों को गंदे पानी की सप्लाई जो है वो मिल रही थी और इससे काफी लोगों को परेशानी देखने को मिल रही थी। लेकिन राजकुमार और अनिल मासूम ने पीएचई महकमे के अफसरान के साथ लेकर जो है इस इलाके का दौरा किया और जल्द ही पाइपलाइन बनाने का एस्टिमेट का हुक्म दिया ताकि जल्दी से जल्दी जो है काम शुरू किया जाए और लोगों को जो है साफ पानी की सप्लाई देखने को मिले। परेड ग्राउंड में जो एक मार्केट है हमारी, यहाँ सभी दुकानदारों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि पिछले 50 साल से जहाँ पर जो पुरानी पाइपें हैं वो ही चल रही हैं और जितने भी ये 10-12 कनेक्शन हैं इनमें इतना गंदा पानी आ रहा है, इतनी सिल्टिंग आती है कि पीने के काबिल नहीं है वो पानी। तो मैंने अपने चेयरमैन साहब रायकुमार जी को हेल्थ एंड सैनिटेशन के, उनसे मैंने गुजारिश की थी और उन्होंने पूरा पीएचई का स्टाफ अपने साथ लाए, WJE वगैरह सारे लाए हैं, इनके इंस्पेक्टर आए हैं और हमने फिजिकली चेक किया है इन पानी को और ये दुकानदार भाई जो बंधु मेरे हैं इन्होंने भी साथ होके जो पानी का जो सैंपल हमें दिखाया वाकई वो आम आदमी के पीने के लायक नहीं है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका जो प्रपोजल बनता है, जो भी एस्टिमेट बनेगा, कि हम इस पाइप को रिमूव करके एक नई पाइप जो है वो इन दुकानदार भाइयों को देने जा रहे हैं ताकि जो पानी जो है उनको साफ सुथरा मिले, क्योंकि ये एक ह्यूमनिटेरियन एक रिक्वायरमेंट है। बिजली पानी ये सफाई व्यवस्था जो है हमने देनी है लोगों को और ये हमारा दायित्व है। इन लोगों ने हमें चुनाव जिता के जहाँ पर भेजा है और हमारा दायित्व बनता है कि इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों। उसी उपलक्ष्य में आज हमने जहाँ पर दौरा किया, हमारे साथ हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन राजकुमार जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसका प्रपोजल बना के इसका एस्टिमेट ऑलरेडी बनाया है, डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसका एस्टिमेट बना हुआ है और जल्द से जल्द इसकी अप्रूवल लेके ये काम हम लोगों को समर्पित करेंगे। आज पानी की दिक्कत को लेकर यहाँ पर दुकानदारों को आ रही थी, किस तरह क्या डिसीजन लिया गया इसमें? देखिए दिक्कत जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, दुकानदार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये पाइप जो है जहाँ से गंदा पानी जहाँ कुछ आ रहा है, ये पाइप जो थी ये नाली से पाइप गुजर रही है, बहुत ही पुरानी पाइप जो सारी की सारी मुझे लगता है ख़राब हो गई है। लेकिन मेरे साथ मेरे AW आए हुए हैं, मैंने इनको बोला हुआ है कि ये प्रपोजल बनाकर हमें ये दें, उसके बाद हम इसको सैंक्शन कराकर नई पाइप लगा कर देंगे ताकि गंदा पानी जो है वो बंद हो जाए, प्रॉपर जो शुद्ध पानी है वो इनको मिले।